हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगी। तो आज मैं आपने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक चुटकुला सुनाऊँ हूँ। चुटकुला पसंद आवे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो मेरे चैनल में। भाई, एक बार नया नया एक छोरे का ब्याह होया था और वो ससुराल चला गया। जानते उसके साड़ा ने पूछी, अजीजा परती है? बोले हाँ भाई, परती हूँ। तो अच्छी सेवा पानी के लागे कर चा लियाँ, फिर पटूट लियाँ, दूध लियाँ, बर्फी लियाँ, और खूब सेवा पानी होने लाग रही। कदे कसाड़ा आवे, कदे साली आवे। तो उसने सोची अके का करें बर्त आ गया। अगले दिन उसने सोची बर्त हम जान खातर, तो बर्त धोरे जान में तो बहुत फायदा है, बहुत कति सेवा बट पानी बढ़िया हो है। तो इब कभी जून सा बर्ता होगा मैं फिर जाऊंगा भाई। चला चला फिर आधी रात का व्रत आ गया। आधी रात के व्रत में जाकर जीजा उन्ना साले ने बूझी, बोले जीजा व्रती है? बोले हाँ भाई, व्रती हूँ। कती? बोले अच्छा, तो ये पठा कर अरे तो जाते ना बूझी, जात ना बूझी। तो उसने सोची बड़ा कसूता काम नुबेरा बटे उबरती हर जो बिना बूझी। अत चाह पानी के में कोने, फिर वो थोड़ी 4-5 बजे सी चाह आई, पानी आया। तब तो उसने सोची अकेले तो थोड़ा बहुत के मान लग गया, ले सेवा पानी शुरू होगी। तो भाई उस थोड़ी सी देर में चाह पानी देकर वो फिर ना बुझा। 8-9 बजे का टाइम होया, जब वो लोग आएगी तो गाना लाएगी, क्योंकि आधी रात का व्रत तो लंबा हो गया है। तो करे वो लोग आएगी इतना लागे, तो ना चुबारे की छत पे, जो छत पे बैठा रखा था वो चुबारे में, ताकि देखने लागे नीचे लोग आएगी तो गाँव भजन गाँव गीत के गाँव। और तो वो अपने साले ने बुला के नहीं बोले हाँ भाई कोई मर गया? बोले ना भाई, ना जीजा कोई ना मरिया। बोले तो ये लोग आई क्यों रो है? बोले ये रोनती कौन है, ये भजन गाँव है। बोले मैं तो नहीं सोचा कोई भूखा मरता बरती मर गया। सबके साले ने अपनी माँ तक कही जाकर, माँ उसने दे दो कि मैं खाने देना वो मरेगा। तो भाई ये था चुटकुला। तो शिवरात्रि के चक्कर में भाई दे आधी रात के बर्तन में ना चले जाइयो, कुछ नहीं सेवा पानी होगी। ये चुटकुला मैंने सोची आज आपने सुना दूँ। पसंद आओ तो लाइक करियो और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो। जय श्री कृष्ण, कृष्णा राधे राधे, जय ओम नमः शिवाय।